दोस्तों, राजस्थान में मंदिरों की कमी नहीं और मंदिर भी प्रगाढ़ हैं। तो आज है भैरवनाथ जी के मंदिर में। तो देखिए, जो ये संत संत हैं, संत महात्मा हैं, इन्होंने समाधि ली है। तो इनकी जो मूर्त रूप है वो बाहर की तरफ है मंदिर के, इधर देखिए। तो ये महान तपस्वियों की भूमि भी रही है। और अभी आपको जो मुख्य मंदिर है भैरवनाथ जी का, उनका दर्शन करवाता हूँ। तो देखिए, ये है बाबा भैरवनाथ जी का जो मंदिर है, जो मैं नीचे आप देख रहे हो, जो मैन मूर्त ये थी। फिर उसके बाद में जो ऊपर जो मूर्त है वो अलग से लाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो मंदिर भव्य है, बहुत ही शानदार मंदिर है, ये आप देख सकते हो। तो मैं आपको बाहर की तरफ भी दिखाता हूँ, जहाँ संतों ने समाधि ली हुई है। तो आइए बाहर की तरफ। तो यहाँ देखिए, बीच में जो सबसे पहले मैं आपको सामने दिखाऊँगा, तो सामने ये है अपनी यज्ञ स्थिति, इसको दूणा भी बोलते हैं। और ये हैं जो बाबा गोरखनाथ जी, ये देखिए, ये जो साथ में जो शिष्यगण हैं, ये हुए थे वो हैं। आप बाईं तरफ भी देख सकते हो, ये देखिए, ये यज्ञ स्थली है। और मान सबसे बड़ी करामात ही वैसे इसकी है, और आप इसको जानते ही होंगे। तो ये है कुंडल। और चलते हैं आगे, हाँ थोड़ा इस तरफ आते हैं। जो संत महात्मा शरीर छोड़ चुके हैं और परमात्मा में विलीन हो चुके हैं, तो ये स्थान है इधर, जो एक यहाँ शिवलिंग बन के रखा है, दैट मीन्स एक समाधि है यहाँ पे। तो ये देखिए, और यहाँ जो अंतिम जो बार इन्होंने शरीर छोड़ा था, तो ये बाबा हैं जिन्होंने अंतिम बार अपना शरीर का त्याग किया था, अर्थात यहाँ पृथ्वी पर कर्म पूरे होने के बाद में वो परमात्मा की ओर प्रस्थान कर गए। और ये है यहाँ तो शानदार भव्य मंदिर बना है। दोस्तों देखिए, एक बात है, ये जो भव्य मंदिर बने हैं, ये लोगों के पैसे लगे हैं, भक्तों के पैसे लगे हैं। और कोई आदमी पैसे क्यों लगाएगा, मनुष्य तो होता ही स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, और जब से एक रुपया नहीं निकालता, दैट मीन्स देवताओं ने कुछ ना कुछ तो कृपा उन पर की है। तो एक और जो मंदिर बच गया वो दिखाता हूँ मैं आपको, ये घर वाले, ये है शिवलिंग। दोस्तों शिवलिंग में मैन देखो, ये जो तीन लाइन है इनको त्रिपुंड बोलते हैं। बीच में जो ये तिलक में या तिलक मान सकते हो, निराकार है, बिंदु है, बिंदु ही बोलते हैं उसको। तो ये बिंदु है शिव, और बाकी जो आकृति देख रहे हो ये है शंकर, इसलिए शिव और शंकर में भी अंतर होता है। और ये शानदार त्रिशूल देखिए यहाँ पे, बड़ा ही शानदार है। और बाकी जो देखिए, राजयोगी गोपीचंद जी, राजयोगी भर्तृहरि जी, जो जिनकी ये मैं फ़ोटो है, फ़ोटो मैं कहूँगा, बहुत ही दुर्लभ फ़ोटो है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पे जो संत महात्मा है, आप देख सकते हो उनकी छवियाँ हैं यहाँ पे, उनकी छवियाँ हैं, ये देखिए, ये इनको नीम के पत्थर बोल सकते हो आप। बहुत ही शानदार मंदिर है, और आने से चित्त को शांति मिलती है। तो आप लोगों को भी अगर मौका मिले, मौका क्या, हर जगह मंदिर होते हैं, तो आप भी अपने आसपास मंदिर है वहाँ कुछ समय बिता के आइए, आपका चित्त है वो शांत अवश्य होगा, स्ट्रेस आप उससे फ्री होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, और भोले बाबा की जय बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भोले बाबा।